नमस्कार दोस्तों, सभी चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आए, लेकिन उन खुशियों की रुकावटें किसी कारण से हो जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद का जो सुख होता है उसमें कई सारी समस्याएं और बाधाएं आती हैं, जिसकी वजह से आपको पत्नी का वह सुख नहीं मिल पाता या फिर पति का वह सुख नहीं मिल पाता जिसकी आप पहले से उम्मीद लगा कर बैठते हैं। तो ये किस कारण से होता है? वैसे हमारे पुराणों में कुंडली के अनुसार कहा जाता है, यदि आपके नक्षत्र कुंडली में ठीक व्यवस्थित हो तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। यदि अगर आपके वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है शुक्र का दिन, यदि आपका शुक्र ग्रह सबसे अच्छा और मजबूत है तो आपको पत्नी के सुख में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, और या फिर पति के सुख में, दोनों के सुख में ही आपको प्रॉफिट जब भी मिलेगा जब आपका शुक्र बिल्कुल मजबूत हो और सही स्थिति पर हो, जिसकी वजह से आपको आने वाली जिंदगी के लिए कोई भी मनमुटाव करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी देखा होगा कि पति और पत्नी में आपस में युद्ध हो जाते हैं, छोटी मोटी बात को ही लेके बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। उन चीजों के झगड़े इसी वजह से होते हैं क्योंकि शुक्र उनका खराब होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ठीक हो और आप चाहते हैं कि आपको वैवाहिक जीवन में सुख मिले तो अपनाएं ये उपाय। आपने सुना होगा कि जब भी आप अपना घर बनवाएं तो उस समय आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में थोड़ा सा हिस्सा कच्चा ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि कच्चा छोड़ने से वह घर का हिस्सा कभी भी आपके वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को निपटाने के लिए वह कच्चा घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। क्योंकि जब कच्चा घर एक बार मिट्टी के समान होता है, उसे जिस तरह से आप मोड़ना चाहें उस तरह से मोड़ सकते हैं या फिर उस तरह से आकृति दे सकते हैं, तो इसलिए कच्चे घर की अवस्था जरूर होनी चाहिए। हमेशा खास ख्याल रखें कि घर बनाते समय वास्तु दोष का भी ध्यान रखें। वास्तु दोष आपके जिंदगी में और आपके वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं, और उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके जीवन में कितनी खुशियां और कितने समय तक रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन आपका खुशीनुमा रहे और आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, तो उसके लिए आप शुक्र की अवस्था जरूर देख लें। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो उसके लिए उपाय जरूर करें। उपाय करने के लिए, यदि आपका शुक्र कमजोर है तो आप 25 साल के बाद कभी भी शादी ना करें, और 25 साल के बाद अगर पॉसिबल हो रहा है कि कहीं से शादी के लिए आपका निमंत्रण आ रहा है या फिर आपके लिए शादी के लिए कोई लड़की योग्य कन्या मिल गई है, तो उसके लिए आप उपाय करें। पहले अपने कान को जरूर छिदवा लें और आप एक कपिला गाय के दूध को जरूर दान करें। जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं उन लोगों को आप कपिला गाय का दूध दान करने से आपके ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह का योग सही हो जाएगा, वो मजबूत बन जाएगा, तो आपकी उससे शादी के योग पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। कि आप जिस पलंग पर सोते हैं या जिस चारपाई पर सोते हैं उसमें चांदी के चार किले ठोक दें, और वह दिन शुक्रवार का ही होना चाहिए। चारपाई के चार पाए होते हैं, तो चार पायों में आपको चांदी के चार किले ठोकनी होगी। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी वो पहले ही जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ के साथ खास ख्याल रखें कि आप जब भी ये कार्य कर रहे हो तो आपको कोई टोके ना और आपसे कोई पूछे ना, ये काम आपको चुपचाप करना होगा, जिसकी वजह से अगर कोई कहेगा तो इससे रोक और टोक लग सकती है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में वह खुशियां नहीं आएंगी जो आने वाली होंगी। तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। अगर आपकी शादी हो रही है लेकिन शादी होने से पहले तय होकर बार बार टूट जाती है और उसकी वजह से आपकी शादी बार बार हो नहीं पा रही है, तो थोड़े से उपाय करने से आपकी वह शादी जल्दी ही हो जाएगी। और यदि आप पर महाशनि देव की प्रकोप चल रहा है और उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको करना तो यही है, नीले कलर के फूल की जगह आपको काले कलर के कपड़े का यूज करना है। काले कलर का कपड़ा लें, उसके अंदर एक मुट्ठी काली दाल यानी उड़द की दाल, उसके अंदर एक शीशी में सरसों का थोड़ा सा तेल लें, और उड़द की दाल और सरसों का तेल लेके कपड़े में बांध कर अच्छे से जो भी आप चाहते हैं वह इच्छा मान कर मन में, और उसे मिट्टी के अंदर दबा दें। ऐसा करने से आपकी शादी में हो रही देरी वह टल जाएगी और आपकी शादी में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी, जल्द ही आपका विवाह भी हो जाएगा। अगर पति पत्नी के बीच में दरार है या फिर सामंजस्य नहीं, यानी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे की खामियां उन्हें ज़्यादा सताती हैं,
तो उन खामियों को दूर करने के लिए या फिर एक दूसरे को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और यदि आपका शुक्र खराब है या फिर कमज़ोर है तो उसे मजबूत करने के लिए उपाय दिए हैं, आप उन उपाय को करें जिससे कि आपका शुक्र कमज़ोर से बलवान हो जाएगा और उससे आपके जीवन में आने वाली समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। उसके साथ साथ आप दोनों यानी पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य सुख आएगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो आप इन उपायों को जरूर करें जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ आए और आपको पारिवारिक सुख जरूर मिले। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।